Sivraz, congratulations, well played. You played very well, but you got your team out of a hole. Your bowling's looking good. The openers are looking good. The middle order looks to be a problem. First of all, thanks to Almighty Allah. I think it's a great win today, and credit goes to the bowlers today. They bowled really well. Crucial time, we took wicket today, and batting order, especially Fakhar Zaman, he played really well. Yeah, a little bit concerned about the middle order batting, and definitely we're sitting tomorrow, and we will sort it out the problems. Where does that innings from you stand in important innings that you've played in your career? Yes, definitely. As a captain, it's very important inning for me. And after this inning, I'm really boosted up. And hopefully we will do well, inshallah, in future. What was going through your mind when you saw the ball lobbing straight into Pereira's hands at mid-on? I know. but that time I didn't see the hand of Malinga. And when I played the shot that in the air, I just said, ooh. But thanks to Allah, thanks to Allah today. Allah help us a lot today. That's why Pakistan win today. Are you talking about the England team? Yeah, England is a very good team today. A very, very good team. He playing really good cricket for last 2 years. And if you're playing a world-class team, so definitely you play a more positive cricket against England. So definitely we will do against England more positively. No, we have no issue, I think. Yeah, we played against here last time. We played almost full series here. We playing five last ODI played here, and we win today. We win that time. We chased 300 runs, so definitely our confidence very high in playing in Cardiff. आपकी टीम को पूरे पाकिस्तान को मुबारक. जो हमने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में प्रेशर देखा था, अब कहीं ये प्रेशर तो नहीं आप लेंगे कि अगर फाइनल में इंडिया के साथ हमें खेलना पड़ता है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्रेशर नहीं होगा टीम पर? देखें सर, अभी तो वो मैच जो गुजर गया उसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं. अभी ऑब्वियसली हम लोग सेमीफाइनल के बारे में सोच रहे हैं. इंडिया के मैच के बाद हम लोग गेम बाय गेम हमने क्रिकेट खेली थी, और जिस तरह टीम ने वहाँ से कमबैक किया, स्पेशली टीम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लड़कों को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप किया, और उसके बाद हमारे बॉलर्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है. आमिर, जुनैद, उसके बाद हसन अली, और जिस तरह फहीम जो आज खेला, उसके बाद जो जिस तरह के हमने बैटिंग किया आज, जिस तरह हम लोग मैच जीते हैं, 75-90 रन चाहिए थे. आई थिंक हैट्स ऑफ टू मोहम्मद आमिर, इसने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली. आई थिंक मैं बीच में थोड़ा प्रेशर फील कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से आज मोहम्मद आमिर खेला, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है. सरफराज, पहले तो मुबारक हो बहुत बहुत जीतने की. बैटिंग का मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो जिस तरह कुछ बड़े सॉफ्ट डिसमिसल्स थे, कंडीशंस क्या आपको इस तरह से मुश्किल थी, या क्या आपको लगता है क्या रीजंस हैं कि इस तरह विकेट्स थोड़ी सी गिफ्ट की गई थी? देखें, आप स्टार्ट देखें तो हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा जो है मोमेंटम लूज किया फखर जमान ने, और वहाँ पे आप जितने भी हमारे आउट देखें मोस्टली सॉफ्ट ही आउट हुए. तो कोशिश डेफिनेटली ये हमारे लिए कंसर्न एरिया है, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह कल बैठेंगे, बात करेंगे प्लेयर से, होपफुली, क्योंकि पिच बहुत अच्छा है यहाँ पे. अर्ली ऑन अगर आप देखें तो थोड़ा सा सीम होता है, लेकिन उसके बाद पिच जैसी ही धूप निकलती है थोड़ा बेहतर हो जाता है. तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं सारे जबरदस्त प्लेयर हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह सेमीफाइनल में सब अच्छा परफॉर्म करेंगे. सरफराज, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कोई भी आपको रैंक नहीं कर रहा था कि एक भी मैच जीतेंगे, दो मैच जीते, माशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंचे. इस टीम के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी जबरदस्त चीज है? सबसे पहले तो बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, और देखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विन थी ये दोनों विन जो है पाकिस्तान टीम के लिए, और हमारे लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा एज अ टीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी. ऑब्वियसली हमें तो कोई रेट नहीं कर रहा था यहाँ पे, और सब यही कह रहे थे कि ये टीम मुश्किल है कि कोई जीत पाए, लेकिन आई थिंक क्रेडिट दूंगा मैं टीम मैनेजमेंट को एक बार फिर, कि जिस तरह इंडिया के मैच के बाद जिस तरह टीम को जो है बूस्टअप किया गया, और उसके बाद तमाम लड़कों को, जिन लड़कों ने फील्डिंग में, बॉलिंग में, स्पेशली हमारी बॉलिंग को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, कि जिस तरीके से उन्होंने कमबैक कराया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ज़बरदस्त बॉलिंग की, और जिस तरह आज टॉस जीत के हमने पहले बॉलिंग की थी, और हमने शुरू में तो आउट किया लेकिन बीच में एक पार्टनरशिप लगी, और उसके बाद जिस तरह मोहम्मद आमिर और जुनैद खान ने स्पेल किया, आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट है हमारे. आई थिंक बहुत ज़्यादा बूस्टअप थी ये दोनों विन इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों विन का कॉन्फिडेंस लेके हम लोग सेमीफाइनल में जाएंगे और एज ए टीम अच्छा परफॉर्म करेंगे. सरफराज, मुबारकें तो सारे मुल्क से मिलेंगी, सारे दुनिया से मिलेंगी, ठीक है. आज के रिंग्स किसके नाम करते हो?
लेकिन जी यहाँ पे तो यही है कि जी किसी के नाम कर दो तो वो बोलते हैं जी उसके नाम शुक्र दी। बस ये कि जी सब बहुत खुशी है अल्लाह ताला का, जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। बस ये है कि ऑब्वियसली देखें पाकिस्तान को, हमारी टीम जो है वो बहुत मुश्किल मराहल से चल रही है अभी, और आई थिंक कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है इस वक्त। जो लोग हैं वो थोड़ा सा जो कि जब हार जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है, तो मैं समझता हूँ कि मैं किसी को डेडिकेट नहीं करता, बस ये समझता हूँ कि बस अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए ये दोनों जीत जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सफी गो के आप इसका इंग्लिश में जवाब दे चुके थे, लेकिन अगर हमें इसके लिए उर्दू में भी जवाब मिल जाए। पिछली बार जब कार्डिफ में इंग्लैंड से मुकाबला हुआ था, बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान ने बिल्कुल चेंज कर दिया था सब कुछ, उसी तारीख को दोहराने का की ख्वाहिश है? हाँ जी देखें बिल्कुल कोशिश यही करेंगे, जिस तरह हम लोग लास्ट ईयर इंग्लैंड के अगेंस्ट 300 रन हमने चेस किए थे और मैंने और शुएब भाई ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी बीच में, तो उम्मीद करते हैं कि उनको उनके खिलाफ पॉजिटिव ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो जिस तरह की टीम है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खेल रहे हैं पिछले लास्ट 1-2 साल से। तो ऑब्वियसली हमारी भी यही कोशिश होगी कि जो पिछले साल हमने इस तरह मैच खेला था, तो कोशिश करेंगे उसी मैच को दोबारा दोहराएं इंशाल्लाह। सरफराज आपकी पेस बॉलिंग में इस टूर्नामेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट लग रही है, इसकी वजह क्या है? आई थिंक देखें वजह यही है, आई थिंक बॉलिंग कोच को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि अजहर भाई जो है बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं बॉलर के साथ, और बॉलर को खुद भी क्रेडिट जाता है कि वो सुन रहे हैं, राइट एरियाज में बॉल कर रहे हैं, जो भी प्लान दिया जा रहा है उनको वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक तमाम क्रेडिट जो है वो बॉलिंग कोच, हमारी टीम मैनेजमेंट को और बॉलर को जाता है कि वो राइट एरियाज पर और जहाँ विकेट टीम को चाहिए ज़रूरत है वहाँ विकेट लेके दे रहे हैं। तो आई थिंक जब तक आप आउट नहीं करेंगे किसी भी टीम के 10 या 20 टेस्ट क्रिकेट में, तो आप मैच नहीं जीत सकते। सरफराज आपने 2 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते हैं, लेकिन अभी तक बैटिंग की बेसिस पे आप एज सच मैच नहीं जीत रहे हैं। आज का मैच भी आप ऑलमोस्ट हारते हारते जीते हैं। इंग्लैंड एज अ स्ट्रांग बैटिंग साइड, जिस तरह वो 300 प्लस आराम से कर रही है, तो आपको लगता है कि आपकी टीम की में इतनी बैटिंग डेप्थ है कि जो इंग्लैंड को कम्पीट कर सके और उसको हरा सके परसों? देखें आपने जो बिल्कुल बैटिंग के बारे में बात की, बिल्कुल वो बात सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त हमारी बैटिंग लाइनअप है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी टीम पे, अपनी टीम के तमाम लड़कों पे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो भी आगे आने वाला मैच है अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें हमारी टीम जो है, हमारी स्पेशली बैटिंग लाइन आप इंशाल्लाह आप देखेंगे ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी, और इंशाल्लाह जो हमारे टॉप ऑर्डर हैं और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं इंशाल्लाह इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेंगे। सरफराज सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। एक सवाल ये कि टीम माशाल्लाह अभी मोमेंटम पकड़ा हुआ है, अच्छा खेल रही है, लेकिन कुछ आसान मैचेस हम उसको मुश्किल बना देते हैं, बहुत क्लोज ले जाते हैं, इस पे कितना वर्कआउट करने की जरूरत है? आज का मैच भी हमें कन्विंसिंगली अराउंड 7-6 विकेट से जीत जाना चाहिए था। हाँ जी बिल्कुल, देखें आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह का हमें स्टार्ट मिला था तो हमें मैच को है वो एटलीस्ट 6 या 7 विकेटों जीतना चाहिए था, लेकिन थोड़े से सॉफ्ट डिसमिसल हुए बीच में जिसका हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मैच अच्छे मार्जिन से जीते हैं, लेकिन देखें जीत तो जीत होती है, लेकिन यही कि आपने इंशाल्लाह इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे, मिल बैठ के बैठेंगे बात करेंगे कि अगर किसी के हाथ में बारी लग गया तो कोशिश ये करें कि पीछे वाले को ही ना छोड़ें, उसी को कैरी ऑन करें। सरफराज बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ क्या आप इसी अटैक से जाएंगे या शादाब को दोबारा शामिल करने की कोई सोचेंगे? देखें सर ऐसा कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त है, ऑब्वियसली देखें परसों आएंगे उसके बाद सिचुएशन सारी देखेंगे, हो सकता है कि शायद इसी पिच पे ही मैच हो, तो हो सकता है उस टाइम डिफरेंट पिच चेक करें, तो अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया, इंशाल्लाह उस दिन सुबह आएंगे तो सुबह टीम डिसाइड करेंगे।